नाउ दिस इज द पार्ट थ्री कंटिन्यूशन ऑफ पार्ट टू। पार्ट टू में हमने राइट्स देखे, ड्यूटीज देखे, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। अब हम समझेंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट थ्री में। टॉपिक इज मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर के साथ चीटिंग और एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उनके लिए क्या मेजर लेके आया है, क्या कोर्ट सिस्टम है, उसके बारे में समझेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे से इसको याद करके ही जाना है। सबसे पहला कंज्यूमर कोर्ट्स आए, या उसे हम ट्रिब्यूनल कोर्ट्स भी बोलते हैं, या थ्री टीयर ज्यूडिशियल सिस्टम भी बोलते हैं। टीयर मीन्स लेवल, तो थ्री लेवल ज्यूडिशियल सिस्टम जो है वो डेवलप किए गए, एस्टैब्लिश किए गए फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहां पर देखिए, गुजरात गवर्नमेंट ने सेटअप किया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और या तो हम बोलेंगे इसे नेशनल कंज्यूमर कमीशन, अंडर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर वो एक कोर्ट या जुडिशियल सिस्टम जो है वो लेकर आए स्पेसिफिकली फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहां पर इस काउंसिल से एक थ्री लेवल जुडिशियल सिस्टम या मैकेनिज्म बनाया गया ताकि के कंज्यूमर के कंप्लेंट्स को सॉल्व कर सके। सब ये देखिए, थ्री लेवल में सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, नेक्स्ट है स्टेट कमीशन, एंड थर्ड वन इज नेशनल कमीशन। जैसा हमारा जुडिशियल सिस्टम है, स्पेसिफिकली कंज्यूमर के लिए भी एक थ्री लेवल टीयर सिस्टम जो है वो लेकर आए। तो हमें इसको इस टेबल के थ्रू ही याद रखना है अच्छे से। सबसे पहला हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की बात करें तो इन टोटल देर आर 571 कंज्यूमर फोरम्स। और लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। और यहाँ का कंपोजिशन जो है वो क्या है, एक तो मेन चेयरमैन रहेगा एंड टू मेंबर्स रहेंगे, और उसमें से कंपल्सरीली वन जो है मेंबर जो है वो वुमेन रहनी चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो हम एक कंज्यूमर के साथ अगर चीटिंग हो रही है तो वो कब जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो लेस देन 20 लाख है, दैट इज पिटिशनर, जो कंप्लेन करता है उसे पिटिशनर बोला जाता है, कैन फाइल केस इन दिस कोर्ट आफ्टर पेइंग द कोर्ट फीस। एक कोर्ट फी जो है मिनिमल अमाउंट की हमें देनी पड़ती है, तो हमें कोर्ट फी पे करने के बाद अगर उसका लेस देन 20 लाख है तो हमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पास जाना पड़ेगा और अपील हमें करनी है। अगर जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के डिसीजन से हम खुश नहीं है, अगर हमें लगता है कि डिसीजन गलत लिया गया है, तो हम अपील कर सकते हैं नेक्स्ट वाले स्टेट कमीशन में। लेकिन यहां पर भी टाइम लिमिट है, विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर। लेकिन अगर हमें अपील करनी है तो हमें कुछ कंडीशन भी दे रखी है। पिटिशनर जो है उसे पे करना पड़ेगा 50% अमाउंट ऑफ द कंपेंसेशन क्लेम, जितना कंपेंसेशन है उसका 50% अमाउंट, या 25,000 विच एवर इज लेस, जितना इन दोनों में से जो कम है उतना हमें कंपेंसेशन जो है वो पे करना पड़ेगा अगर हमें आगे अपील करनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्टेट कमीशन। टोटल 35 स्टेट कमीशन है, और स्टेट कमीशन है तो वो स्टेट लेवल पर है। यहाँ की कंपोजिशन की बात करें तो एक प्रेसिडेंट है और मिनिमम 2 मेंबर्स है, और उसमें से कंपल्सरीली 1 shall be वुमेन ही होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, आपको लिमिट दे रखी है 20 लाख से 1 करोड़ तक का अगर हमारा कंपेंसेशन क्लेम अमाउंट है तो हम जो है वो डायरेक्टली स्टेट कमीशन पर अपील करेंगे। और कब करनी है हमें, विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर। तो इसकी कंडीशन ऑफ अपील क्या है, अगर हमें नेशनल कमीशन में अगर हमें अपील करनी है तो इसकी कंडीशन है कि एक कंज्यूमर जो पिटिशनर है उसको या तो 50% अमाउंट ऑफ द कंपेंसेशन क्लेम है उतना देना पड़ेगा, या ₹35,000, इन दोनों में से जो कम अमाउंट है अगर हमें अपील करनी है तो वो देनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम नेशनल कमीशन। नेशन वाइड नेशनल लेवल पे तो ओनली 1 ही नेशनल कमीशन है, और इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसे टॉप मोस्ट कोर्ट या एपेक्स कोर्ट जो है वो माना जाता है ऑफ कंज्यूमर फोरम। तो ये नेशनल लेवल पर है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो प्रेसिडेंट और मिनिमम 4 मेंबर्स है, और इसी में यही कंडीशन है कि 1 member शैल बी अ वुमेन, और हेंस इन टोटल जो है यहाँ पर टोटल बेंच ऑफ 5 member है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से अगर ज्यादा की लिमिट है तो पिटिशनर जो है वो नेशनल कमीशन के पास जाएगा, और यहाँ पर अगर हमें आगे अपील करनी है तो लास्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर भी अपील की कंडीशन दे रखी है, कंपल्सरी है कि या तो हम 50% ऑफ कंपेंसेशन क्लेम अमाउंट दे या
50,000 जो इन दोनों में से कम अमाउंट है वो हमें अपील के लिए देनी ही पड़ेगी। अब यहां पर देखिए स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन जो है शुड गिव द डिसीजन, जितना जल्दी हो सके कंज्यूमर्स के केसेस को सॉल्व करना है और मैक्सिमम जो है विद इन 90 डेज ऑफ फाइनलाइजिंग द केस में कंज्यूमर का एक केस जो है वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए विद डिसीजन। अगर कोई पर्सन जो है वो इसे रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो भी केस में जो ऑर्डर सुनाए हैं कोर्ट ने, अगर वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसे इग्नोर करता है, तो कोर्ट जो है या तो उसे पनिश करेगी या उस पर पेनल्टी जो है वो लगाएगी, या पनिश और पेनल्टी दोनों ही लगाएगी। कौन कौन से पर्सन को यहां पर हमने देखा कि फीस जो है वो पे करनी पड़ती है, लेकिन जो गरीब है उन्हें बेनिफिट दिया गया है, तो पीपल हु विल नॉट हैव टू पे फीस फॉर फाइलिंग द कमीशन। कहां पर? पीपल जो कि पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं और उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो फी कहां से भरेंगे केस करने के लिए? तो ऐसे पर्सन जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप जो हैं, जो स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन्हें जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है कि उन्हें कोई भी अगर केस करना है तो आपको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। और दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, इन्हें जो है और भी फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एडवोकेट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, बिकॉज ये एबल नहीं होते, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है। अंडर डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विसेज उन्हें गाइडेंस दी जाती है और लीगल हेल्प और एडवोकेट की मदद भी दी जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, ये हमें एकदम अच्छे से चार्ट वाइज ही याद रखना है। Now the next topic is consumer society। जैसे कि कोर्ट का सिस्टम था, जैसे हम कोर्ट पे दरवाजा खटखटा सकते थे, वैसे ही कंज्यूमर सोसाइटी के थ्रू या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के थ्रू भी हम जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कंज्यूमर सोसाइटी, इसको अच्छे से याद रखना है, इन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में ही समझते हैं, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो एस्टैब्लिश की गई, ताकि के वो कंज्यूमर में अवेयरनेस जो है वो फैला सके। और ये जो कंज्यूमर सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल है, कोई भी पॉलिटिक्स का रोल नहीं है, नॉन कमर्शियल है, यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट या ऐसा देखा नहीं जाता, यहाँ पर ओनली कंज्यूमर के बेनिफिट की बात होती है। और ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर लोग खुद ही आकर कंज्यूमर की मदद करना चाहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वॉलंटरी खुद से ही वो बनाते हैं। यहाँ पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो अवेयरनेस लेकर आए अबाउट द कंज्यूमर राइट्स, लोगों को वो अवेयर करे कि उनके कंज्यूमर राइट्स क्या हैं और एनकरेज करे कंज्यूमर्स को, ताकि के वो हेल्प कर सके गवर्नमेंट में पॉलिसीज, वो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज जब भी बनाती है तो वो उसमें उनकी हेल्प कर सके। तो ये था इन शॉर्ट कंज्यूमर सोसाइटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं, जो कि हमें पता ही चल गए हैं। काउंसिल जो है वो कंटिन्यूसली रिव्यू करता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज जो आई है, जो भी रेगुलेशन आए हैं, वो उसे बार बार देखता रहता है कि कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए है या नहीं है। इट ऑल्सो गिव्स सजेशन, ये सजेशन भी देते हैं गवर्नमेंट को कि क्या क्या देखो आपको शॉर्ट में दे रखा है। कंटिन्यूसली वो रिव्यू करेगी प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड एक्ट। नेक्स्ट है गिविंग सजेशन, किसे देगी वो सजेशन? गवर्नमेंट को, के जो आप लॉ लेकर आए हैं, जो भी आप प्रोविजंस या रूल्स लेकर आए हैं, वो कंज्यूमर के बेनिफिट में है या नहीं है, उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो सजेशन देगी। वो कंज्यूमर को एडुकेट करेगी बाय कंडक्टिंग कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, अलग अलग कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम लाकर। नेक्स्ट है, और यहाँ पर इसी का कंटिन्यूएशन दे रखा है, वो गाइड करेगी कंज्यूमर को कौन कौन से टॉपिक्स पे, राइट्स, उनकी राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके बारे में उनको अवेयर करेंगे, हाउ टू सेव फ्रॉम कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन चीटिंग से कैसे बचाया जाए, तो इनके बारे में वो कंज्यूमर को पूरी तरीके से अच्छे से गाइड करेगी। नेक्स्ट फंक्शन इज, वो अलग अलग मैगजीन्स जो है वो पब्लिश करते हैं, जिससे कि कंज्यूमर जो है उसे पढ़े और उनमें अवेयरनेस आए। और यहाँ पर मैगजीन्स के नाम भी अच्छे से याद रखने हैं, एक तो है ग्राहक सुरक्षा के नाम से एक मैगजीन वो पब्लिश करते हैं, इनसाइट द कंज्यूमर एंड ग्राहक मंच, ये जो है वो मैगजीन जो है वो पब्लिश करते हैं। तो ये थे हमारे शॉर्ट में, कंटिन्यूसली वो रिव्यू करते हैं प्रोविजन को, अगर कोई चेंजेस लाने तो वो सजेशन देते हैं, कंज्यूमर को एडुकेट करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, पब्लिशिंग मैगजीन वो मैगजीन जो है वो पब्लिश करते हैं। तो ये जो है सेम पूरा मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट थ्री, जहां पर हमने अलग अलग थ्री टीयर देखे, जुडिशियल सिस्टम दिखला स्पेसिफिकली फॉर कंज्यूमर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखें। फिर हमने कंज्यूमर सोसाइटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में पढ़ा, आई होप आपको वो क्लियर हो गया, वो टेबुलर फॉर्म से ही हमें अच्छे से याद रखना है।